यूपी के शाहजहांपुर में मंदिर में बार बालाओं से अश्लील डांस का मामला सामने आया। सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान भोजपुरी फिल्मी गानों पर बार बालाओं ने जमकर डांस किया। मौके पर मौजूद लोग इसे देखकर हैरान रह गए। इसी के बीच किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर के अल्लागंज थाना क्षेत्र के गाँव दिवरनिया में सावन मास में भोलेनाथ के मंदिर पर भगवान शिव को खुश करने के लिए चैनपाल नाम के युवक ने नौटंकी का आयोजन किया और भोजपुरी फिल्मी गानों पर बार बालाओं का अश्लील डांस शुरू हो गया। इससे वहां परिवार सहित मौजूद लोग हैरान रह गए। इसी दौरान किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। वही देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है या फिर नहीं। टीवी 1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। सरीन का नाम नवनीत सिंह, पिता का नाम रामा शंकर सिंह, ग्राम परसा पोस्ट भैसे, जिला कुशीनगर के स्थानीय निवासी। इन्होंने आज UPPCS जे का परीक्षा क्वालिफाई किया। इस पर टीवी 1 इंडिया न्यूज टीम ने बात की और उनसे इस मुकाम को हासिल करने के बारे में जानकारी ली गई। टीवी 1 इंडिया न्यूज के लिए मैं जिला प्रभारी हूँ और मैं चल के आपके पास आया और साथ ही साथ पता चला कि यहाँ भैंसी ग्राम सभा भैंसी के बगल में ग्राम सभा परसा में एक बहुत ही योग्य विवेकवान संघर्षशील नवनीत कुमार सिंह युवा छात्र UPPCS क्वालिफाई किए हैं। तो मैंने सोचा कि उनसे मिल लिया जाए, उनको बधाई दे दिया जाए, शुभकामनाएँ दे दिया जाए। आगे वो UPPCS निकाले हैं उस पर आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, उस पर क्या समाज के लिए करना चाहते हैं, क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं, वही पूछा जाए। बताएँ आप क्या करना चाहते हैं। जिन्हें UPPCS निकाला है इस पर क्या करना चाहेंगे, कैसा खुशी महसूस हो रही है आपको? हम लोगों के बीच में कारीगर लगा, इस बच्चे ने अपने अथक परिश्रम जो उपलब्धियाँ हम लोगों के बीच में लाए उसके लिए हम लोगों का सीधा इस क्षेत्र के जवान के सभी अभिभावकों का, सभी बच्चों का, सभी इनके मित्रों का, इनके रविंद्र मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट, कुशीनगर। जहाँ एक तरफ सरकार एक और गौवंश की रक्षा के निर्णय के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं पर छोटी छोटी अप्रत्याशित घटनाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहीं इस नाजुक स्थिति में हालात पर काबू पाना आसान नहीं होता, मगर फिर भी हालातों से लड़कर समस्या का समाधान करना जिंदगी कहलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर जनपद के बिंदगी थाने के अंतर्गत भेटा गाँव की, जहाँ बीते सोमवार गोप्ती का मामला सामने आया, जिसमे मामले को शांत कराना और हालात पर काबू करने में जौनिया चौकी इंचार्ज उमेश चंद पटेल सहित आला प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखने का भरसक प्रयास किया और हर स्थिति को अपनी पैनी नजर बनाए रखी। तो वहीं हम बात करें इस पूरे मामले की, तो गोक्सी की घटना इस गांव से जहां गांव वालों में दहशत का माहौल था, वहीं अब स्थिति सामान्य हो जाने से जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। जहां भय और उन्माद की स्थिति में लोग एक बार फिर से अपने घरों में वापस आए, तो वहीं गांव के बड़े बुजुर्ग इस अप्रत्याशित घटना को लेकर अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया देते नजर आए। आपको बताते चलें कि बेटा गांव में जनपद ऐसी घटनाओं को लेकर आम जनमानस व्यथित नजर आता है, तो आम जनता भी इस अनहोनी को दोबारा ना हो ऐसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से अपने घरों को लौट आई है। तो वहीं आला प्रशासन ने भी जनजीवन सामान्य करने में अहम भूमिका निभाई है, चाहे वह DM संजीव कुमार के सहायक फैसले की हो या फिर SP रमेश जी के बेखौफ हौसले की। सभी की मेहनत का नतीजा है कि आज मेटा गांव में जीवन सामान्य, लोगों में खुशी है। दहशत और सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति से निकलने के लिए बेशक एक जिंदगी कम पड़ जाती है, मगर एक इरादे नेक हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। DM के द्वारा इस मुद्दे पर की गई कार्रवाई सराहनीय है। आज बेटा गांव का जनजीवन पूरी तरह से सामान्य, लोगों में खुशी है और सभी अपनी दैनिक दिनचर्या को पूर्ण करने के साथ साथ खुशहाल जनजीवन की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। चाचा जी, ये बताइए, इस गाँव पे सोमवार को घटना हुई थी गौकची के मामले में, तनाव था पूरे गांव पे, क्या आप कितने लोग घर वापसी आ गए हैं, कितने लोग घरों? ये मान के 50 पैसे आ गए, 50 पैसे बाहर है। कितने लोग अभी घरों में ताले लगे होंगे? कम से कम अभी 50 घरों में लगे हुए ताले। अच्छा, ये बताइए शासन प्रशासन से क्या मदद मिली है आपको? शासन प्रशासन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम किया। DM साहब ने क्या
डीएम साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब बहुत अच्छा काम किया, इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छा काम किया, चौकी इंचार्ज भी अच्छा किया, ऐसा नहीं है, सब अच्छा किया है, नहीं है ना वो बुरा बवाल होता है। चलिए हमसे बात सहबाजपुर का रहने वाला, ये बताइए सोमवार को यहाँ पे गोकच्छी का मामला सामने आया, आज छठा दिन है, आज क्या स्थिति है लोगों में? अब तो लोग धीरे धीरे वापस आ गए हैं, अब कोई इसी समान है, आपस में सब भाईचारा कायम है, पुलिस प्रशासन द्वारा चौकी इंचार्ज जूनियर इंस्पेक्टर सीओ एडिशनल एसपी पूजा और के द्वारा यहाँ बड़ा ही मेहनत और से स्थिति काबू की गई है, कोई विवाद नहीं है, सामान्य स्थिति है। अभी कोई हताहत या कैसे? ना कोई घबराहट है, ना कोई हताहत है, जो लोग बाहर चले गए सब वापस आ गए हैं, अब किसी प्रकार का यहाँ कोई भय व्याप्त नहीं, नहीं भी है वो भी आ रहे हैं, जो नहीं भी है वो भी आ रहे हैं, जो और सब लोग अधिक से लोग। अच्छा, शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे क्या कार्य हुआ, किस तरह? शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ बहुत ही जिम्मेदारी से कार्य हुआ, शासन प्रशासन ने शासन के मतलब जो है सीओ और एडिशनल द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा यहाँ बड़ी सुरक्षा सतर्की से कार्य किया गया, यहाँ किसी प्रकार की मतलब जो है कोई मतलब गलत कार्य नहीं। चाचा जी क्या नाम है आपका? विष्णु दत्त द्विवेदी। चाचा जी यहाँ पे सोमवार को गौकसी मामले में एक वो हुआ था, सांप्रदायिक माहौल गड़बड़ खराब हुआ, ये किस वजह से और कैसे हुआ? सोमवार को तो मैं 8 बजे फतेहपुर चला गया था, मैं पति एक कार्यक्रम था फतेहपुर में तो वहाँ चला गया था, मंगलवार को मैं सोमवार को रात में आ गया था, मंगलवार के 16 तारीख को मैं घर पर था दरवाजे, तो देखा मंदिर के पास जहाँ स्कूल है जूनियर हाई स्कूल, तो वहाँ 150 आदमी इकट्ठा हो गया, हो हल्ला मचाने लगे, कहीं क्या हुआ, तो हमने देखा निकल घर से बाहर निकल के, तो पता लगा कि इस तालाब में मांस मिला, तो मांस मिलने के जैसे कि लोग लड़के निकाल के लाए तो उसके साथ हुजूम बढ़ने लगा, और हुजूम बढ़ने लगा तो हम भी उत्सुक हुए जरा देखने के लिए क्या है क्या, तो ये हुआ कि जो 15 तारीख को गौकसी हुई उसी का मांस है। अच्छा, ये जब मामला हुआ तो कितनी देर में पुलिस पहुंच गई? पुलिस करीब 9:30-9 करीब पहुंची पुलिस। अच्छा, कौन कौन आए जब ये माहौल का ये शांत हुआ माहौल? माहौल जब शांत हुआ करीब लगभग 10 बजे, जब हम अपने दरवाजे बैठे थे फाटक खुला तो हमने देखा कि अधिकारी जिले की अधिकारी कुछ लोग आए, तो हम निकल के जानना चाहे तो पता लगा कि अरे तो डीएम साहब हैं, डीएम साहब एसपी साहब गए, भेंट लिए थे हाथ में और दोनों आदमी कुछ फोर्स भी पीछे था, अब जो पहुँचे हैं वहाँ जहाँ पर घटना हुई है वो मदरसा जिसको कहते हैं, चला जब वहाँ डीएम साहब पहुँचे तोड़ हो रहा था, तब डीएम साहब के पहुँचने के बाद ही वो मामला शांत हुआ, चारों तरफ जब लोगों को ये हुआ कि नहीं डीएम साहब आए उन्होंने हाथ दिया, कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई बवाल नहीं होना चाहिए, कुछ प्रतिनिधि मिले लोग, तो उतनी देर से कुछ शांति जिले भर का पड़ी। हाँ, और जिले भर के चारों तरफ कई थानों के गाजीपुर है और क्या कहते हैं चांदपुर है, पिंकी है, मलवा, इस तरह की कई जगह की थाने की फोर्स आ गई, और पीएसी के जवान हाथों में डंडा लिए चारों तरफ घूमने लगे गांव के बस। अभी आज की छठा दिन है आज, और अभी आज की स्थिति क्या चल रही है गांव की, कैसा माहौल है गांव का? अब तो शांत है, रात्रि में राउंड होते हैं, हूटर बजते हैं और गाड़ियां घूमती हैं, पीएसी भी पड़ी हुई है, पुलिस भी है, पर शांत है मामला। अब हम देखें, कल हम शाम के निकले थे, हमारे बटैयादार वकील लोग हैं, दो खेती वेती लिए, हमने देखा हाँ तो लोग हाँ आने लगे, उनकी पत्नी जो बटैयादार की पत्नी से हमने स्वयं बात किया, कहने चाचा हम क्या बेड सुखवा दिया, क्या करें चाचा, गांव में इस तरह की घटना हो गई, कोई नालायकों ने किया, पूरा गांव तबाह हो रहा है, वो महिला ने बताया, पर हम लोग आ रहे हैं ना, हम कल से खेती बाती का काम देखेंगे, तो माहौल शांत दिखाई देता है। चाचा जी, इस मामले में जूनिया चौकी इंचार्ज और इनकी थानेदार को सस्पेंड किया गया है, ये कैसे था, इनका कैसा स्वभाव, किस वजह से? रोल तो उनका बढ़िया रहा, पहले दिन माहौल शांत रहा, दूसरे दिन उनका उस। ट्यूबर इंडिया न्यूज के लिए संदीप के साथ पंकज पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर।
महोबा में 21 जुलाई 2019 को डॉक्टर राकेश मिश्रा, धानका ग्रुप के चेयरमैन आरसी अग्रवाल, संचत जैन, दिल्ली पूर्व मंत्री ललिता यादव, महोबा विधायक राकेश गोस्वामी, पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत आदि लोगों ने सामूहिक रूप से विकास खंड जैतपुर के ग्राम थोर्रा में आयोजित कृषक प्रशिक्षण महोत्सव कार्यक्रम के दौरान 15 किसानों को आयुर्वेदिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी कृषि करने पर सम्मानित किया। वहीं धानका ग्रुप के चेयरमैन द्वारा ग्राम की तलैया के सुंदरीकरण एवं गहरीकरण के लिए राशि की घोषणा की गई। वहीं डॉक्टर राकेश मिश्रा द्वारा कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर कृषि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और शाम को लगभग 4 बजे समापन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में किसान के साथ साथ आम जनमानस भी उपस्थित। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। महोबा में जिलाधिकारी अवधेश तिवारी ने बताया कि बेटी के जन्म पर अब घर में लक्ष्मी आने की खुशियां मनाई जाएंगी। जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक सरकार उसे 6 चरणों में 15,000 रुपए की धनराशि देगी। यह सब कन्या सुमंगला योजना के तहत संभव हो सकेगा। योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करना होगा। कन्या भ्रूण हत्या रोकने, समान लैंगिक अनुपात करने तथा बाल विवाह को रोकने के साथ साथ बालिका को स्वावलंबी बनाने और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने में यह योजना अत्यंत कारगर साबित होगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 से कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में बेटी के जन्म से उसकी परवरिश और शिक्षा ग्रहण करने तक का खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार निर्धारित धनराशि के रूप में बेटी के नाम से 6 चरणों में एक मुश्त उपलब्ध कराएगी। एक ही परिवार की अधिकतम 2 बेटियों के जन्म पर ही लाभ मिल सकेगा। समाज में भ्रूण हत्या को खत्म करने के साथ साथ ही बेटियों की अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य देने में यह योजना बहुत ही कारगर साबित होगी। योजना का लाभ 1 अप्रैल 2019 से जन्मी बेटियों को मिलेगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। फिरोजाबाद के दाऊदयाल इंटर कॉलेज की छात्रा आरती ने अज्ञात कारणों के चलते पुल से छलांग लगा दी। जहां पर आनन फानन में दाऊदयाल इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल इलाज के लिए आरती को सरकारी ट्रामा सेंटर लेकर आई। यहां पर फिलहाल सरकारी ट्रामा सेंटर में आरती का इलाज जारी है। अब तक छलांग लगाने का कारण सामने नहीं आया। डॉक्टर राहुल ने कहा कि होश आने के बाद रिपोर्ट के आधार पर ही हम कुछ कह सकते हैं। आरती के परिजनों को सूचना दे दी गई। जीवन बच्चों को निकलने में लगती है, उसके 20-25 मिनट बाद हमें खबर मिली, किसी रागी ने बताया कि एक बच्ची ऊपर से गिर गई है, पुल के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। इतना सुनते ही वो स्कूल यूनिफॉर्म में है तो हम दौड़ के आए। तब तक कुछ लोग उसको ई रिक्शे में लेकर आने लगे। फिर हम बाइक से तेजी से आए, हमें रास्ते में ई रिक्शे में शामिल होकर यहाँ पर ले आई। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराया बच्ची का, फिर ढूंढा उसके गार्जियन का नाम, शायद हाथ को लिखा हुआ था बच्ची के, उससे हमें पता चला। कौन से क्लास की बच्ची है? इंटर क्लास की बच्ची है। क्या नाम है इसका? आरती नाम है उस बच्ची का। अभिभावक को बुला लिया। ये कहाँ से आती है पढ़ने के लिए? ये संतोष नगर से बच्ची पढ़ती है। क्या ये कोई मानसिक रूप से भी पहले से भी कोई दिक्कत है? क्या मामला है पूरा? देखिए, ये बताया गया है कि दुर्घटनावश ये छात्रा कोटला चुंगी के ओवरब्रिज से गिर गई है और इस छात्रा को दाऊदयाल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा यहाँ लेके आएंगे। लाने के बाद इस छात्रा का नाम आरती पता पड़ा है और इसके फादर का मोबाइल नंबर भी मिल गया है। हमने संपर्क भी साधा है। पूरा प्राथमिक उपचार छात्रा को दे दिया गया है और अग्रिम प्रचार हेतु भर्ती कर दिया। किस तरीके की घटना सामने आई है? देखिए, घटना की अभी असल स्थिति पता नहीं है, थोड़ा बच्ची होश में आ जाए। इस समय स्थिति क्या है उसमें? देखिए, इस समय थोड़ा सर में दिमाग में चोट है, जिसके लिए सीटी स्कैन करवा रहे हैं और देखते हैं अभी सीटी स्कैन। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का जनपद हरदोई भी बम बम भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। जी हाँ, हम बात करने हरदोई की, जहाँ पर बाबा सिद्धनाथ मंदिर धाम गंगा जल भरने के लिए कांवड़िया शुक्लागंज उन्नाव कानपुर के पास गंगा नदी से गंगा जल लेकर बाबा सिद्धनाथ मंदिर से 116 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुँचे हैं। भोलेनाथ के भक्त आज हरदोई जिले के सिद्धनाथ बाबा लालपुर खाले भरावन, जहाँ पर गोमती नदी के किनारे यह मंदिर बना हुआ, जहां पर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बताते चले कि बम बम भोलेनाथ के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा।
कौड़िया कठौनी मार्ग अतरौली रोड पे, जहां पर हजारों की टोली भोलेनाथ जी की निकल रही है और प्रधान जी कौड़िया कठौनी के जो हैं हमारे सामने खड़े हैं और उनसे मिलते हैं, बात करते हैं कि देखते हैं कि भोलेनाथ जी को कितनी संख्या में उनके ऊपर कावट चढ़ाते हैं। प्रधान जी, आपका नाम जानना चाहेंगे। संतराम कश्यप, कौड़िया प्रधान प्रतिनिधि जी। तो प्रधान जी, ये बताइए कि ये कावट इस समय कहाँ के लिए प्रस्थान हो रही है? गंगा जी स्थान सुखलागंज उन्नाव से कानपुर से निकल करके सभी लोग हैं, कई वर्षों से कार्यक्रम चला रहा जी। और कुछ कहना चाहेंगे टावर के विषय में, जो आपको दिक्कतें गुजर रही, रास्ता नहीं सही है? यहाँ तक तो सही थे जहाँ तक रास्ते में आया है, लेकिन सिद्ध बाबा यहाँ भरावन से भटपुर रोड से पहुँचने में सिद्ध बाबा बहुत बड़ी रोड खराब है, मतलब कोई वहाँ रोड पहुँची ही नहीं, ना ही विद्युत ऑनलाइन है, विद्युत व्यवस्था। अच्छा, विद्युत व्यवस्था नहीं है? भी नहीं है वहाँ पे, वहाँ रोड है ना कुछ है। और बहुत सर सर सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। मंडल के अध्यक्ष हैं आप जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ सर कि जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, हर बार आते हैं, वैलो फोटो पिछली बार राजकुमार रजिया जी आए थे कावर में, हम लोग के कह गए थे हम जीतेंगे तो जरूर यहाँ की रोड बनाएंगे, बहुत देर तो रुके थे 1-2 घंटा, और उसके बाद दोबारा तो आए नहीं वो ना सांसद जी। यू1 इंडिया न्यूज़ के लिए परीक्षित सिंह की रिपोर्ट आगुई। सावन का पहला सोमवार आज सुहाग नगरी फिरोजाबाद के तमाम शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे अपने अपने तरीके से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करने में व्यक्ति दिखाई दिए। सभी अपने अपने तरीके से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूरी पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। आज हमारी टीम पहुंची गांव सांती के प्राचीन शांतेश्वर महादेव के मंदिर में, जहां के बारे में कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां जो भी सच्चे मन से भक्त मनोकामना मांगता है उसकी हर एक मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ बाबा का शांतेश्वर धाम, जहां पर दूर दराज से शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दरवाजे आते हैं। देखिए हमारी विशेष पेशकश में, जिसमें आप देख सकेंगे कि बाबा भोलेनाथ किस तरह से भक्तों को चाहते हैं। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता देवाश्री शर्मा व मयंक शर्मा की विशेष रिपोर्ट। तो शिव जी पे कावर चढ़ानी थी उसको, तो रास्ते में उसको लेटरिन बाथरूम लगी, तो अकेला था बेचारा, तो किसी ने उसकी कावर पकड़ी नहीं, तो कुछ लोगों से उसने कहा, विनती भी की, किसी ने नहीं पकड़ी, तो उसकी लेटरिन बाथरूम उसी में निकल गई। तो वो लाइन में लगा था तो मक्खियाँ लगी थी, तो लोग उससे घृणा करने लगे, उसको पीछे हटाने लगे, तो यहाँ जल रुक गया था, जैसे जल चढ़ाते हैं ना, गंगा जल रुक गया था, गंगा जल की धार छूटी नहीं थी। तो यहाँ से आवाज़ आई किसी संत के रूप में या किसी के रूप में कि पहले जो हिंगा वक्त है उसकी कावड़ चढ़ेगी, उसके बाद अन्यथा किसी की कावड़ चढ़ेगी, पहले उसकी कावड़ चढ़ी, उसके बाद सभी का जल चढ़ा। जो मंदिर है कितना प्राचीन मंदिर है और क्या इसकी विशेषता है जिसकी वजह से जनपद फिरोजाबाद में यह अपना अलग स्थान रखता है, दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो क्या ऐसी विशेषता है जो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आने को विवश होते हैं? ये मंदिर जो है हजारों साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर राजा शांतन के ज़माने का है। यहाँ भारी से भारी संख्या में सोमवार हर सोमवार बहुत भारी भीड़ होती है, शिव तीर्थ पर बहुत भारी भीड़ होती है, और जो भक्त लोग जो आते हैं भावना लेके उनकी सभी यहाँ शांतेश्वर महादेव सब कामना को पूरी करते हैं। पास में जो है एक सिरसा नदी है, उसमें स्नान करने से सारे शरीरों के दुख दूर हो जाते हैं। भारी से भारी हर सोमवार यहाँ बहुत भीड़ होती है शांतेश्वर मंदिर पर। इस शिवलिंग की क्या जिस तरीके से बताया जाता है, स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुआ था, तो इसकी कुछ ऐसी कोई एक कहानी बताएं जिससे कि मालूम हो जनपद फिरोजाबाद के ही नहीं अपितु पूरे देश में मालूम पड़े कि हाँ इस शिव मंदिर की क्या विशेषता है ऐसी। ये तो प्रतिमा की कड़ी हुई शिवलिंग है जो राजा शांतन के ज़माने की है, वो प्रतिमा की कड़ी हुई है, जो लोग भावना लेके आते हैं उनकी सभी भावना पूरी होती है। सावन के महीने में किस तरीके से पूजा अर्चना भक्तगण करें जिससे कि वो भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें? हाँ, सेहत है, दूध है, दही है,
गंगा जल है, बेल की पत्ती है, उससे उनका सभी पूजन होता है और सभी कामना भक्त लोगों की पूरी होती है। ये मंदिर की क्या महत्ता है? आप महत्ता ये है, ये निकले हुए बाबा हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चारों तरफ भावना घूम रही है, सब देख रहे हैं लोग, आपसे ये बहुत अच्छी नहीं मनोकामना सारी पूरी होती है, जितनी बोलो आओ जाते हैं, बहुत यात्री आते जाते हैं, इनकी बहुत बड़ी महिमाएँ और साथ ऐसे बोलते हैं इसको। स्वयंभू शिवलिंग है ये, अपने आप प्रकट हुआ अपने आप प्रकट हुआ था, निकले हुए भोले बाबा हैं और यात्री बहुत आते हैं, भीड़ बहुत होती है, मनोकामना पूरी होती है लोगों की, सब जो आते हैं उनकी सब मनोकामना पूरी होती है, बहुत बढ़िया आते हैं। दिन सावन के महीने में आज शिवालय आई हैं, क्या कारण है आज? इस दिन भोले बाबा की पूजा की जाती है और सावन के सोमवार में। तो सावन के सोमवार का ही क्या महत्व है? आप कितनी दूर से आई हैं? आप गोवा से आए? क्या नाम है आपका? लक्ष्मण पाल सिंह। सिंह साहब, ये जो सावन के महीने का महत्व है, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, सावन का पहला सोमवार है, तो किस तरीके का कुछ बता दो। हिंदू संस्कृति में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए सोमवार को हम शिवालय के सभी जितने हिंदुस्तान के अंदर शिवालय हैं, विदेशों में हैं, उनमें पूजा अर्चना करते हैं। इसमें पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है और भोले बाबा सबकी लाज रखते हैं। कभी ऐसा आपने अनुभव किया? बिल्कुल किया है सर। सावन के महीने में कभी भोले की जो असीम कृपा होती है, कभी आपके ऊपर? तमाम लोगों को इसी मंदिर में तमाम लोगों की जो का मनसा पूर्ण की है शांतेश्वर महाराज जी। आज के ही दिन क्यों? भगवान शिव का विशेष दिन है श्रावण मास। तो किस तरीके की पूजा अर्चना करके आज आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? जल चढ़ाएंगे, दूध से ईश्वर के लिए, शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाख दावा करने वाली योगी सरकार में भी कायमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य के हालात जस के तस बने हुए। ताजा मामला आज सायंकाल का, जहां पर कायमगंज फरुखाबाद मार्ग पर दमदमा मोड़ के आगे बाइक ने अपने घर चिरसली लौट रहे युवक राहुल 19 वर्ष पुत्र नेम सिंह किसी अज्ञात ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से उसे शाम 6:40 पर ई रिक्शा द्वारा कायमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर काफी देर के बाद फार्मासिस्ट द्वारा उपचार किया गया। घायल युवक को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसी पर घायल युवक ने स्वयं मांग की कि मुझे ऑक्सीजन लगाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन न होने की बात कही। वहीं घायल की हालत ज्यादा गंभीर होने पर जैसे तैसे ऑक्सीजन लगाई गई, वहीं 2 मिनट बाद हटा ली गई, इसके बाद युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि हमारे मरीज को फार्मासिस्ट ने ही उपचार किया, कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आया। आखिर लाख शिकायतों के बावजूद भी कायमगंज के डॉक्टर अपनी मनमानी क्यों करते हैं, जिससे किसी के घर की खुशियां मातम में बदल जाती। शायद यदि युवक को समय से ऑक्सीजन मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। वहीं सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक अमर सिंह खटीक ने भी इसका ठीकरा अस्पताल प्रशासन पर ही छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मैंने भी कई बार यहां के चिकित्सकों की मनमानी की शिकायत की, लेकिन यहां कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल अस्पताल प्रशासन से यह सवाल है कि यदि CSC में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं थी तो घायल को रेफर क्यों नहीं किया गया, ताकि उसे सही समय से उचित इलाज मिल जाता और उसकी जान बच सकती थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि युवक की मौत हो गई तब अस्पताल प्रशासन ने उसे रेफर किया। सूचना पर अस्पताल में मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। भैया क्या नाम तुम्हारा? हर्षित गुप्ता। कहाँ रहते हो? तुम्हारा किससे विवाद हो गया था? विवाद कुछ नहीं सर, कशन मानता था, प्रवेश गंगवार सामने ही रहता है, 15-20 लड़के थे, घेर के लबिया लाठी तमंची उबट वगैरह मारी। कहाँ घेरा तुम्हें? राज राधा मार्ग के पास तांगा स्टैंड वाले रोड पे। 15-20 लोग थे, क्या नाम मालूम होंगे? नाम सर सबके मुंह पे कपड़ा बंधा था, एक को पहचाना भाई प्रवेश गंगवार था, बाकी ढाटा बांधे हुए। जी सर। इसकी सूचना पुलिस को की है? क्या पुलिस घटनास्थल पहुंची थी? पुलिस घटनास्थल पर नहीं, हमारे घर पर पहुंची थी, वो थाने भेजा उन्होंने, बोला एक एप्लीकेशन देके मेडिकल करा। अच्छा, ये किस बात को लेट टेंशन मानते हैं तुमसे? सर बिना मतलब की रंगबाजी दिखाते हैं, हम लोग सुनते नहीं। क्या ये लोग गुंडा प्रवृत्ति के हैं और
हफ्ता वसूली और जुआ सट्टा सब। वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फरुखाबाद। हरदोई के ब्लॉक बावन के सकाह शिव मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार को शिव मंदिर में शिव भक्तों, श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां पर हर हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग में जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में गंगा जल, दूध दही से जलाभिषेक कर बेलपत्र, चावल व पुष्प से भगवान शिव की पूजा की। स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले शिव भक्त कांवड़ यात्रियों से गंगा स्नान और स्नान पूजन के साथ साथ रात से शिव जलाभिषेक और रुद्राभिषेक आरंभ कर दिया था। भोर होते ही इनकी संख्या में काफी इजाफा हो गया। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने भी पुख्ता बंदोबस्त किए हुए थे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई।